नगर नौर में निर्माणाधीन एनएम जीसी स्टील प्लांट के रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में टेस्टिंग के दौरान कन्वेयर बेल्ट में अचानक आग लगने की वजह से प्लांट में अफरातफरी का माहौल देखा गया। आग लगने की वजह बहरहाल अब तक पता नहीं चल पाई है। वेल्डिंग की चिंगारी बताई जाती है, जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है। काफी मशक्कत के बाद आग पर मौजूद फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। आशुतोष तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। आशुतोष, क्या स्थिति बताई जाती है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर आग लगी है, बिल्कुल लापरवाही यहाँ पर माना जा सकता है। जिस तरीके से सुरक्षा का मापदंड जो था वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है, और जिस तरीके से यहाँ पर आग लगी है तो जो कारण है वो बताया जा रहा है कि वेल्डिंग वहां पर किया जा रहा था, और वेल्डिंग के दौरान ही जो चिंगारी बेल्ट में लग गई, और बेल्ट में लगने के बाद आग भड़क गई, और जो धुआं और जो आग की लपटें हैं वो लगातार बढ़ती गई। बड़ा सवाल ये भी है कि वेल्डिंग के वक्त चिंगारी से ये आग भड़क गई, क्या तमाम सुरक्षा के माकूल इंतजाम नहीं किए गए थे? अगर इतने बड़े प्लांट में अगर इस तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं तो इस तरह की लापरवाही, अनियमितता, क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, इससे पहले भी एक यहाँ पर लापरवाही हो चुकी है। जिस तरीके से ऊपर से टैंक एक गिरा था जिसमें एक आदमी की मौत हो गई थी, एक वर्कर जो था वहाँ पर मौत हो गई थी, और जिस दौरान ये आग लगी है उस दौरान वहाँ पर प्लांट में 100 लोग मौजूद थे, और वो आग भड़कने के बाद ही अफरा तफरी मच गई, और अफरा तफरी मचने के बाद जो चारों तरफ लोग भागने लगे, वर्कर्स भागने लगे, कहीं ना कहीं सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर करना चाहिए। इतना बड़ा प्लांट है और लगातार निर्माणाधीन प्लांट है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के ऊपर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी लापरवाही आ चुकी है, लेकिन जो एनएमडीसी वहां पर जो लगातार लापरवाही बरतती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता नजर आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। मुख्यमंत्री कमलनाथ आज भोपाल की ताजुल मस्जिद पहुंचे।